सही, अपने इंडिविजुअली भी और एज ए टीम भी प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग सीरीज जीते हैं, बहुत अच्छी सीरीज रही है। देखें, इस जीत की जरूरत थी क्योंकि हम लोग वनडे में, हमारी टीम इतनी ज्यादा वनडे में नहीं खेले थे, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को हराना, तो ये जिस तरीके से टीम लड़ी है यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और जिस तरीके से टीम का जो मोराल था, जो एटीट्यूड था सब प्लेयर्स का, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग सब में, तो बहुत जबरदस्त था। और मेरे हाल में ये चीजें डायरेक्ट नहीं आती, इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने टीम के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है, और जो माहौल बना है तो बहुत जबरदस्त सब लड़के फील कर रहे हैं, और एक एज ए टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब। तो बाकी मेरी परफॉर्मेंस का तो अल्लाह का शुक्र है इस पे, क्योंकि मुझे भी चाहिए था इस तरह परफॉर्मेंस, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैसी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी। तो इस पे मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं यही कहूँगा कि जो मुझे टाइम ऑफ मिला था उसमें जो मैंने हार्ड वर्क किया है तो ये उसी का नतीजा है। और बाकी जो सेलेक्टर्स का और स्पेशली कप्तान का, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा जो जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे आज तक बैक करते रहे। थैंक यू फखर जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। रशीद शकूर, यूसुफ अंजुम जी, अतीक एंड शहजाद मलिक। सलाम अलैकुम फखर। वालेकुम सलाम। फखर, आपकी जो वनडे की जो परफॉर्मेंस है उसमें मतलब मुस्तकिल आप रन्स कर रहे थे, लेकिन T20 में मतलब 2018 में हम देखते हैं कि 91 आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में किया था, और उसके बाद से एक लीन पीरियड बड़ा लंबा चल रहा था। तो ये जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितना मैटर कर रही है कि अब चूंकि इसी परफॉर्मेंस की बेस पर दोबारा T20 में आप आए, तो अब आप किस तरह देखते हैं कि जो T20 के अंदर भी जो मतलब परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, अब कितने लुक फॉरवर्ड है कि इस वनडे की परफॉर्मेंस के बाद कितना कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हैं अपने अंदर? देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं T20 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं जितना खेला हूँ तो मैं कोशिश किए कि बड़े शॉट्स ही मैंने खेले हैं। और जैसे आपने बताया T20 में काफ़ी टाइम से स्कोर नहीं हुआ, तो वो अगर आप देखें तो PSL भी मेरे इतना अच्छा नहीं जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट PSL हुआ है उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और मैं वही कहूंगा, जो मैंने मेहनत की है तो वो वनडे हो, T20 हो और टेस्ट हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको सब में डिफरेंटली नजर आऊंगा। फखर, कैसे देखते हैं कि आपकी से जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद आपकी तरक्की भी ICC रैंकिंग में, उस आपका T20 के लिए भी इंतखाब हुआ, और साथ ये बताइएगा कि बाबर आजम की सपोर्ट से कितना आप लोगों को एतमाद में इजाफा हुआ, खुसन उसकी बाबर आजम की नींव को कैसे आप देखते हैं? देखिए, बाबर आजम मेरे ख्याल में जिस तरह वो दिखते हैं वो बहुत ही अलग है इससे। वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो सबसे बड़ी बात कि अगर आपका कप्तान इतना बड़ा परफॉर्मर हो तो टीम का जो एटीट्यूड है और टीम की जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है। तो बाबर आजम के मतलब ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में होने से हर प्लेयर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और जिस तरीके से वो हर किसी को ट्रीट करता है तो वो जबरदस्त है। और उसकी परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, वो उसके साथ क्रीज पे रहना भी मतलब बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरीके से वो जितनी क्रिकेट को सिंपल बनाता है तो बहुत जबरदस्त है। और मेरे ख्याल में उसके साथ जो मेरी पार्टनरशिप्स लगी हैं तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उसके साथ खेलने में।
अच्छा फखर, आप अच्छा दौर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया आपका, दोबारा रन बन रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बुरा वक्त था उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती थी जब आपसे रन नहीं बन रहे थे, ड्रॉप हो रहे थे, लोग बातें भी आप पे बहुत कर रहे थे कि फखर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उस दौर की थोड़ी फीलिंग पूछना चाहूंगा कि उस वक्त आप क्या सोचते थे कि जो होता था सब कुछ। थैंक यू। देखें, ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिस पे बुरा वक्त नहीं आया होगा, और बुरे वक्त से ही आप सीखते हैं। तो मैं सिर्फ टाइम ऑफ का वेट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा टाइम मिले जिस पे मैं खुद पे काम करूं, और जो कोविड की वजह से जो मतलब क्रिकेट वगैरह नहीं हो रही थी, तो उसमें मैंने बहुत काम किया अपने ऊपर। और मैं यही कोशिश करता था कि यार ये जो मेरे हाथ में है वो करूं, और बाकी तो देखें, आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो तो लोग तो उसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। और आप मेरे ख्याल में अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उससे भी इंसान जो है वो मजबूत होता है। तो बहुत सारी चीजें थी, और मैं इसमें बस जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरे बुरे टाइम पे, काफी सारे लोगों ने, तो मीडिया से क्रिकेट फैंस ने, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मतलब हौसला मिलता था कि यार चलो, अगर कोई आपको लोग इतना ज्यादा वो कर रहे हैं तो बीच में ऐसे भी लोग हैं, और स्पेशली फैमिली से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती थी, तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। फखर, जनूबी अफ्रीका में बैक टू बैक वनडे में 2 सेंचुरीज स्कोर करना, 193 का स्कोर करना, ये कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है आपके लिए? एक अरसे के बाद आप इतना स्कोर किया है। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट, इस सीरीज से पहले ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे जो मैंने मेहनत की थी मुझे उस पे यकीन था, और इससे जो हमारे प्रैक्टिस मैच हुए उसमें भी मुझे था कि जिस तरीके से मेरे बैट पे बॉल आ रहा है, और जो मैंने मेहनत की है तो उसका ही मुझे फल मिलेगा। और बिल्कुल मैं इस स्टेज पे और इस तरह की मुश्किल कंडीशंस में जब रन्स होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है, और बिल्कुल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्फिडेंस को मैं T20 में कैरी करूँ। जी प्लीज, नेक्स्ट है अंश बदी कादिर ख्वाजा। अच्छा फखर, मेरा सवाल ये है कि आपने दूसरे मैच में 193 किया, अच्छी फॉर्म लगी थी और बड़ा अच्छा जो है वो रिकॉर्ड बना आपका। आप दूसरे में भी, तीसरे मैच में आपने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उन अफराद को क्या कहना चाहेंगी जो टेस्ट क्रिकेटर आपके बारे में कह रहे हैं कि ये आपकी जी जो फॉर्म लगी हुई है, जो सेंचुरी आपने बैक टू बैक की है, ये तुक्का है? देखें, मैं अभी तक इतनी क्रिकेट खेल चुका हूं कि मुझे मतलब काफी समझ आ गई है क्रिकेट की, तो वो टेस्ट क्रिकेटर्स उनको भी क्रिकेट की काफी समझ है, तो मेरे ख्याल में अभी तक मैं उनके मायार पर नहीं उतरा हूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूँ कि वो फिर खुद बोले कि ये तुक्का नहीं है, और मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा फखर, ये आप जो रन आउट हुए 193 पे, बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, तजिया भी, बड़े लोग ये बातें कह रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम और जावेद मियांदाद ने कहा है कि ये जो है डीको की गलती नहीं थी बल्कि फखर जमान की अपनी गलती थी, कि उन्होंने जो है ना अपनी विकेट बचाने को नहीं देखा बल्कि दूसरे एंड पे देखते रहे। क्या समझते हैं कि आपकी अपनी, आप बता भी चुके हैं आपकी अपनी गलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 200 रन की फिक्र थी या टीम की जीत की फिक्र थी? एक और इतनी बदी, अच्छी, प्लीज एक एक क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू सबने, इतनी अच्छी क्योंकि बहुत। परफॉर्मेंस का राज क्या है? देखिए सर, मैं पहले भी बोला था कि इसमें सारी गलती मेरी थी, क्योंकि देखें
हम लोग कितने बरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे ज्यादा मतलब ज्यादा हमारे साथ सीन होते रहते हैं प्रैक्टिस में, मैच में भी, और मतलब जब हम डोमेस्टिक खेलते हैं उसमें भी। तो उसमें मेरे ख्याल में तो डिकॉप की मतलब उसको मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहरा था। और जो सच बात है, क्योंकि मैं भी अगर आपको बोलूं कि मैं उसकी वजह से आउट हो गया तो ये एक एक्सक्यूज होगा। और क्रिकेट में मेरे ख्याल में स्पेशली इस मतलब लेवल पे आप अगर एक्सक्यूज देते हैं तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो बिल्कुल जिस तरह वसीम भाई और जावेद भाई ने बताया, वो मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं देखना चाहिए था पीछे जिस तरह सिचुएशन थी। और यकीन करें मुझे उस टाइम आपने 200 रन की बात की तो मैं मेरे दिल में था कि या अल्लाह अगर मैं 200 करूं तो हम मैच जीते, वरना अगर मैच नहीं जीते तो मेरा 200 नहीं होना चाहिए। ये मैं मतलब मेरे उस टाइम की यही मेरे माइंड में था। तो और बाकी आपने बोला कि परफॉर्मेंस की राज तो मेरे ख्याल में आपकी जो मेहनत होती है वही आपके काम आती है। और बीच में शायद मेरी मेहनत में कमी आ गई थी और जो सेल्फ बिलीव था वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मैंने मेहनत की और जो सेल्फ बिलीव मेरे में आया तो मेरे ख्याल में वो मेरे बड़ा काम है। जी अस्सलाम वालेकुम फखर। वालेकुम सलाम। अच्छा फखर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फॉर्म जो है वो वापस आई है और बहुत तगड़ी वापस आई है। सबसे पहले ये बताएं कि जो 100 पार्टनरशिप है, सबसे ज्यादा आपके और इमामुल हक के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो अब हो गई है 5 सफा, तो इमाम के साथ पेयर कैसा रहा है और कैसी अंडरस्टैंडिंग होती है? प्लस अब जो T20 है उसमें आप शर्जील खान के साथ अगर आपको मौका मिलता है तो वो वहां पर पार्टनरशिप कैसी रहेगी? जी देखें, इमाम के साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी खेला हूँ। हम हबीब बेंग से साथ खेलते थे और वहाँ पे एक दूसरे को बहुत समझा। फिर पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में मेरे तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इमाम भी आ गया, तो उस टाइम मेरे 4 मैच हुए थे, तो वहीं से हम लोग साथ ही खेल रहे हैं। तो उसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मेरे ख्याल में इमाम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। वो जिस तरीके से विकेट को रीड करता है, जो सिचुएशन को रीड करता है, तो मेरे ख्याल में ऐसे कम प्लेयर्स देखे हैं हमने। तो और वो अपने उनकी अपनी लिमिटेशन है और उसमें ही खेलते हैं। तो जो एज अ मतलब जो कामयाब क्रिकेटर्स होते हैं ये उनकी बड़ी निशानी है। तो उसके साथ खेलते हुए बहुत मैं इंजॉय करता हूँ। और बाकी आपने शर्जील खान की बात की, तो देखें अभी इंशाल्लाह जब मैच शुरू होंगे तो ये तो तब की बात है, लेकिन ये कि शर्जील खान मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक है, तो उसके साथ खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी प्लीज नेक्स्ट है बिलाल अकील, उबैद इबादुल्ला एंड हाफिज शबाज। जी अस्सलाम वालेकुम फखर। जी फिकर, जिस तरह से पाकिस्तान का हमने पहले देखा था कि ओपनिंग लाइनअप इतना बेहतर नहीं होता था, ओपनिंग में कोई भी इतना अच्छा स्टैंड नहीं दे पाता था, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 ओडीआईज में हमारी ओपनिंग चली, तो क्या अब ये देखा जा रहा है कि अब जो इमाम और फकर हैं इनकी ही जोड़ी अगले मैचेस में चलेगी और ये बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते जाएंगे? जी देखे, ये सिर्फ इस टूर्नामेंट के नहीं है, ये हमें टूर्नामेंट से जो ये साउथ अफ्रीका टूर से पहले ही बाबर से भी बात यही हुई थी, मतलब जो डिस्कशन हुई थी, तो मिसबा भाई यही वो हमें उन्होंने बताया था कि आप दोनों ही हमारे वनडे के मतलब स्पेशलिस्ट ओपनर्स हो और आप लोगों ने ही आगे खेलना है। और ये कोई मतलब हम इस तरह ये बात नहीं है कि ये परफॉर्मेंसेज हुई है तो हम लोग आगे कैरी करेंगे। हमें पहले से ही आइडिया था कि हम लोग जो हमारी जोड़ी है तो ये रहेगी, मतलब खेलती रहेगी। और बाकी देखिए क्रिकेट है तो फिटनेस का भी इसमें होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि जो हमारी मैनेजमेंट है स्पेशली फिर कप्तान जो है वो
हम दोनों की जो पार्टनरशिप है और जो मतलब हमारी जोड़ी है उससे बहुत खुश है और वो हमें बेग भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, फखर उबैद अवान बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी लगी है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि T20 में मोहम्मद रिजवान हमारे पास जो है वो ओपन कर रहे हैं, उसके साथ बाबर हैं, शर्जील वापस आते हैं, तो फिर क्या आप एज ए ओपनर ही प्रेफर करेंगे कि आपको जो है वो एज ए ओपनर खिलाया जाए, या अगर आपको किसी दूसरी पोजिशन पर मौका मिलता है चौथे नंबर पर या पाँचवें नंबर पर, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी है और क्रिटिसिज्म काफ़ी होता रहा है आपके ऊपर जब परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो लेफ्टिनेंट बनने के बाद जो है वो काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं आप। देखें, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं हर नंबर के लिए बिल्कुल तैयार होऊंगा। जिस तरीके से टीम मतलब मुझसे डिमांड करेगी, जो टीम प्लान होगा, तो मैं 100% उसी पे खेलूंगा। और स्पेशली साउथ अफ्रीका में मतलब मैं नहीं समझता कि नया बॉल पुराना बॉल या ओपनर या मिडिल ऑर्डर का कोई इतना ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंसी विकटें हैं तो यहाँ पे बॉल सेम ही आता। तो मैं खुशी कोई सा भी रोल मतलब एक्सेप्ट करूंगा। और दूसरी बात सर आपकी, लेफ्टिनेंट बनने के बाद आपकी परफॉर्मेंस पहले काफी जो है उसके ऊपर क्रिटिसाइज होता रहा। जी देखें, नेवी से तो मैं शुरू से ही एसोसिएट हूं, मैं क्रिकेट खेलने से पहले ही नेवी में था। फिर नेवी ज्वाइन के बाद मैंने ज्वाइन करने के बाद क्रिकेट स्टार्ट की, तो मेरे लिए तो ये एक ड्रीम ही था कि जो उन्होंने मुझे ऑनर दिया जितना बड़ा, क्योंकि ये एक सोल्जर ही समझ सकता है जिसने ट्रेनिंग की हो, उसको इतना बड़ा ऑनर मिल जाए। तो और वाकई लेफ्टिनेंट का ऑनर जब मिला तो उसके बाद मेरे भी माइंड में बहुत ज़्यादा वो आया कि यार इन्होंने तो मुझे इतना मतलब ऑन किया है, लेकिन अब मैंने भी दिखाना है और कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल उससे भी मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है। और जिस तरीके से मतलब मुझे लगा है कि मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में इसका नेवी में तो वैसे ही नेवी का मेरे करियर में बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन जो उन्होंने मुझे ऑन किया है तो उससे मेरा माइंडसेट भी काफ़ी चेंज हुआ है। थैंक यू। जी प्लीज नेक्स्ट महमूद, अबू बकर, इबाद और नात्रा प्लीज। अच्छा फखर, आपकी जो परफॉर्मेंस हुई है इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट बैट्समैन जो है वहां पे अवेलेबल थे, मिसबा और यूनुस, इन दोनों का कितना हाथ है आपकी फॉर्म वापस आने में और परफॉर्मेंस में? सर देखें, आपके ड्रेसिंग रूम में अगर इतने बड़े नाम आपके साथ बैठे हुए हो तो आप बिल्कुल आप बहुत फर्क पड़ता है। वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो सिचुएशन होती है टीम मतलब खेलते हुए, और तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आप हमारे पास विकी भाई भी हैं, वो भी मतलब बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, तो बड़े नामों से वाकई बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और जो इनके जो लाइफस्टाइल है वो अभी भी ऐसे हैं कि मतलब हमें फील होता है कि यार इतने बड़े क्रिकेटर ऐसे बनते नहीं है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल में बड़े क्रिकेटर्स जितने बनते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम मुझे सीखने को मिला है, और वाकई उनका भी बहुत रोल है जिस तरीके से वो हमें सिचुएशन में समझाते हैं, जब वो कि मतलब यहाँ पे इस ग्राउंड में किस तरह विकेट होगी, किस तरीके से नए बॉल को सरवाइव करना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे सीनियर्स। जी
जी सलाम अलैकुम फखर। फखर मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, क्या आपने अपनी बैटिंग के अंदर चेंज किया? पहले एक फखर जमान था जो कि पहले 6 ओवरों का इस्तेमाल करता था और ऊंची शॉट्स खेलता था, अब हमें फखर जमान जरा तब्दील नजर आया। पहले 10 ओवर्स के अंदर वनडे के अंदर बड़ा सुकून से खेला, बाद में अपनी इनिंग बिल्ड करने के बाद बड़े स्कोर जी बनाए, तो समझते हैं कि पहले ओपनर का आके खड़ा होना और उसको सेट होना जरूरी है, बाद में बड़े रन बन जाते हैं? बिल्कुल, देखें स्पेशली साउथ अफ्रीका में यहाँ पे जिस तरीके से विकेट्स हैं, ये मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अलग क्रिकेट होती है नए बॉल की यहाँ पे, क्योंकि नए बॉल से यहाँ पे आप बिल्कुल खुला नहीं खेल सकते जिस तरह इंग्लैंड में या पाकिस्तान में हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ काफ़ी मतलब फ़र्क होता है विकेट में, और नए बॉल को सी ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग की जो प्लान जो हमारा हुआ था कि शुरू में जो 6 ओवर है उसमें किस तरह खेलना है, तो बस हम लोग यही कोशिश करते थे कि उसी प्लान पे चलें, और जो अगर बॉलर कोई अपनी गलती करे तो हम उसको पनिश करें, वरना खुद से कोई कोशिश नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम फखर। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? अच्छा फखर जी, बहुत जबरदस्त आपने कमबैक किया, और हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हमें तो आ रही है सर आवाज। जी जी फखर भाई, बहुत जबरदस्त आपने कमबैक किया, और अब जिस फॉर्म में है आप, उम्मीद है कि आगे भी T20 के अंदर भी अच्छी फॉर्म परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मैं बस ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि यूनुस खान इस आपकी फॉर्म में आपको वापस लाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो खुद कहते हैं कि मैं प्लेयर्स की जो नेचुरल गेम है उसी के ऊपर काम करता हूँ, उसी को निखारने की कोशिश करता हूँ। यूनुस खान ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए वो बैटिंग कोच है तो वो सब बैट्समैन के साथ काम करते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जितना मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो देखिए कोई भी कोच हो या कोई भी हो, आपके मतलब ग्राउंड में जाके बैट तो नहीं पकड़ते, लेकिन वो अपना आपको तैयार करते हैं और एक्सपीरियंस जो है उनका शेयर करते हैं, और मेरे में जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं आपके साथ, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से वो मतलब फिर आपको सिचुएशन का भी मतलब गाइड करते हैं, तो सेम मिसबा भाई भी, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें बहुत काम आती है, और उसने मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है। अस्सलामु अलैकुम फखर, मुबारक हो आपको, बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस की है, बड़ी फ्लॉलेस आपकी बैटिंग रही। ये बताएं कि टारगेट सेट करके गए थे कि मुझे 1+ करना है, या फिर आपका जो बैट है वो ऑटोमेटिकली रन उगलने लगा था और 200 के करीब पहुंच गए थे? नहीं देखिए, मिसबा भाई की कोचिंग बहुत डिफरेंट है, वो जो हमें प्लान देते हैं हम लोग उसी पे चलते हैं, और हमारे प्लान यही थे कि हम लोग टारगेट को डिवाइड करते हैं, ख्वाह हमारी पहली बैटिंग हो या बाद में। तो सच ऐसा कोई बड़ा मतलब प्लान तो मेरे माइंड में कभी नहीं होता, लेकिन जो टीम का प्लान होता है उसमें यही था कि शुरू के नया बॉल किस तरह सर्वाइव करना है, फिर उसके बाद कैसे खेलना है, और फिर आगे से एक्सेलरेट कैसे करना है। तो सच ऐसा कोई प्लान मेरा था नहीं, लेकिन फिर बाद में जब टीम की सिचुएशन जो होती है तो फिर उसी के मुताबिक मैंने अपना गेम खेला। जी प्लीज, नेक्स्ट है अरसलान, एहतशाम, सैफ एंड बाकरी। अस्सलामु अलैकुम फखर, पहले तो बहुत मुबारक हो आपकी इनिंग्स पे, और मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आप T20 के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने आपको गो हेड दे दिया है? पहले तो आप T20 टीम में शामिल नहीं थे, तो अब जो आपकी बातें वो बता रही हैं कि आप T20 टीम का हिस्सा होंगे, तो क्या हम देख रहे हैं कि शर्जील खान को मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, या अगर आपको शर्जील खान के साथ ही मौका मिलता है
तो कितना जो है एक पाकिस्तान की पावरफुल ओपनिंग नजर आएगी हमें? देखिए सर, वही वाली बात है, अभी मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं स्क्वाड में ही हूँ और जिम्बाब्वे टूर तक, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं कि पहले मैच में क्या टीम खेलेगी क्या नहीं। लेकिन देखें, मैं पहले भी यही बोला कि शर्जील खान मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में हैं T20 के, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ कभी भी मैं मतलब क्रीज पे बैटिंग करूं, क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत आसान कर बना देते हैं। और बाकी देखें आगे क्या होता है कि जो भी मतलब मुझे रोल मिलेगा T20s में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश नहीं, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा ही उतरूंगा। हाँ जी फखर, एहतशाम बोल रहा हूँ आपसे। सवाल ये है कि एक आपके माजी करीम में पहले तो कोरोना आड़े आया, फिर फिटनेस की वजह से भी ड्रॉप हो गए, अब माशाल्लाह वापस आए हैं, परफॉर्म किया और अब आप फखर जमान से अब आपको फखरे पाकिस्तान कहा जा रहा है, तो और आप जो सेलेक्टर्स ने आपको टीम के लिए भी रिटेन कर लिया T20 के लिए भी, तो कितना इससे बूस्ट हुए हैं आप, आपकी फॉर्म जो है उसमें अभी मजीद कितना निखार आने की तवक्को की जा सकती है? सर देखिए, फखरे पाकिस्तान तो मैं था लेकिन आप लोगों ने फिर फखर बना दिया था लेकिन शुक्रिया, अभी फिर आपने फखरे पाकिस्तान बोल दिया। तो देखें, एज अ क्रिकेटर और फिर इस लेवल पे अगर जब हम लोग खेल रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, वो कोई भी प्लेयर में आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं मतलब सही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से बहुत वो करूँगा कि अपना मेहनत को और ज़्यादा करूँ, और जो मेरा मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला है इसको मैं कैरी करूँ। और क्रिकेट में आपको ज़रूरत होती है डे बाई डे इम्प्रूवमेंट की, और बिल्कुल मुझे भी है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ जो जिसकी मुझे ज़रूरत है उसमें इम्प्रूवमेंट की, और मैं इंशाल्लाह उसको जल्दी कवर करूँगा। जी बाकी आप क्वेश्चन करिएगा, देन हाफिज, शहबाज, सबा और उस्मान। स्क्रीन नहीं है, नेक्स्ट प्लीज आप हाफिज, शहबाज, सबा और उस्मान। अस्सलाम वालेकुम फखर। फखर पहले तो मुबारक, सबा के लोग भी आपको दे रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में वापस आए, टाइम गुजर गया। सर बताइएगा कि हमें, मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जब PSL में आप लोगों को कैंप लगा हुआ था लाहौर क्लंदर्स का, तो मोहम्मद हफीज को देखा आपको, बैंक में वो गाइड कर रहे थे और उसकी जी रजा भाई आप आ रही जी। अच्छा फखर, मैं आपको लेके जाऊंगा वापस PSL में, जब PSL में आपका लाहौर क्लंदर्स का कैंप लगा हुआ था और एक मैच में हमने देखा कि प्लीज आपको गाइड कर रहे थे, उसके बाद ने देखा कि आपकी रिथम जितना अच्छा वापस आया अब तक आप नहीं रुके, तो कितना हेल्प किया हफीज ने, ऐसी क्या टिप्स दी थी जिसके बाद माशाल्लाह आप मुसलसल परफॉर्म करता हुआ आ रहे हैं, और हफीज का कितना रोल है आपकी फॉर्म की वापसी में? देखें, मैं अक्सर हफीज भाई से, मैंने एक दो दफा उनको बताया भी है कि यार आप जैसा फाइटर बंदा जो है ना क्रिकेटर में मैंने बहुत कम देखा, क्योंकि मैं उनको पिछले 5 साल से बहुत करीब से देखा है, और सिर्फ मैं नहीं, वो उनको जो भी लगता है कि कोई जूनियर क्रिकेटर है और उसको कुछ इश्यूज हो रहे हैं और वो उसको बेहतर कर सकता है, तो वो आगे वाला बंदा अगर माइंड भी करता हो और उसको आइडिया भी हो, फिर भी हफीज भाई जाके अपनी तरफ से वो समझते हैं कि ये उनका फर्ज है कि वो अपने जूनियर्स को समझाएं, तो बिल्कुल वो हफीज भाई ने मुझे मेरे साथ भी काम किया, और टू बी ऑनेस्ट जिस बैट से मैं रन्स मैंने किए हैं ये बैट भी हफीज भाई ने मुझे दिया है, तो वो जूनियर्स को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, और मतलब मैं उनकी जितनी भी मतलब तारीफ करूं वो कम है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये हफीज भाई जो को
जो लोगों ने लकब भी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो इसके हकदार भी है। जिस तरीके से वो अपने जूनियर प्लेयर्स को गाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल में हर सीनियर को इस तरह करना चाहिए। और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो खुले दिल से वो मेरे ख्याल में मतलब अपने जूनियर्स के साथ वो करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और पीएसएल में मेरे ख्याल में जो उन्होंने मेरे साथ वैसे नेट्स में वो किया वो तो ठीक है, लेकिन जो एज अ पार्टनर भी मेरे साथ क्रीज में रहे हैं, तो जैसे क्वेटा के साथ मैच था, तो वो क्रिकेट भी आपको आसान कर देते हैं, क्योंकि वो एक एंड से इतना ज़बरदस्त खेलते हैं। तो वो एक ज़बरदस्त पैकेज है हफीज़ भाई, और मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ पाकिस्तान टीम में भी और पीएसएल में लाहौर कलंदर की टीम में एक साथ खेल रहा हूँ। फखर, पाकिस्तान टीम अवे टूर्स में रीसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया से हारी, न्यूजीलैंड से हारी और इंग्लैंड में हारी, और तकरीबन 2 साल में ये पहली सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त अंदाज में जीती है। तो ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस या प्लेयर्स के एटीट्यूड पे बात की जाए, तो लगातार 3 अवे सीरीज हार के इस सीरीज में जो कमबैक हुआ है, आप क्या तब्दीली आप लोग आपकी यूनिट में आई है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया, आपने क्या इस पे असेस किया है? देखें, मेरे ख्याल में जितना मैंने देखा है, तो हम लोग जितने भी अवे टूर्स किए हैं हमने, ठीक है हम लोग कुछ मैच हार रहे हैं लेकिन बहुत क्लोज हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने हमें बिल्कुल वन साइडेड हराया हो, जैसे हमने अपने होम पे साउथ अफ्रीका को हराया है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है हमारी टीम में कि जो फाइटिंग स्पिरिट है वो जिस तरीके से हमारी टीम में आया है। तो देखें, एक टाइम लगता है टीम को बनने में, और जिस तरीके से आपने न्यूजीलैंड का टूर बताया, ऑस्ट्रेलिया का बताया, तो वहाँ पे जो हमारी टीम ने फाइट शो की है, तो ये उसी का नतीजा है। और यहाँ से जो हमारे हमारी टीम को जो कॉन्फिडेंस मिला है, तो इंशाल्लाह हम लोग दुनिया की हर टीम को उनके अपने होम कंडीशन में टफ टाइम देंगे। जी उस्मान। अच्छा फखर, मेरा आपसे सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका सीरीज पे तो बहुत बात होगी, मुबारक भी हो आपको, चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल की परफॉर्मेंस या मैन ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका सीरीज, किसको ज्यादा वेटेज देंगे आप? यार ये आप ही डिसाइड करो। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखें इंसान जो भी आपका पहला टूर होता है, पहला वो बहुत ज़्यादा मतलब अहम होता है, और वो यादगार भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम इतनी क्रिकेट भी नहीं खेले होते, इतना कुछ देखा भी नहीं होता। और यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मैं मुझे आइडिया था कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से बॉल आएगा, किस तरीके से विकेट्स मुझे मिलेगी, तो यहाँ के लिए मैं बहुत तैयारी करके आया था। और जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो उसमें तो मैं बस पाकिस्तान एक एक दो टूर करके चला गया था उसका मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो मेरे लिए ज़्यादा है। जी जाहिद और सबा, प्लीज आप दोनों को। फखर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप बैक टू बैक 2 सेंचुरीज बनाई आपने और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं बात करूंगा T20 स्क्वाड में आपको शामिल किया है, तो सिलेक्टर्स ने पहले आपको पर एतमाद नहीं किया, आपको T20 में शामिल नहीं किया, लेकिन अब आपको अपनी परफॉर्मेंस से आपने साबित किया कि आप T20 स्क्वाड के भी अहल हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? और थोड़ा ये भी बता दें कि जो 4 T20 खेले जाएंगे उसमें किस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्कात हम कर सकते हैं फखर जमान से? देखिए सर, मेरे ख्याल में ये तो मतलब अनफॉर्चुनेटली शादाब खान अनफिट हुए हैं, तो उसकी जगह मेरा नाम आया है, वरना मैं वनडे के बाद मैंने चले जाना था। तो इस तरह ये कुछ ख़ास आप इस तरह नहीं कह सकते कि मैं आप इस परफॉर्मेंस पे आया हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ 19-20 होता भी, तो फिर भी मैं यहाँ पर रुकता।
और दूसरा ये कि मैं जिस तरीके से मेरी फॉर्म लगी हुई है तो और मुझे मौका मिला T20s में, तो मैं बिल्कुल मैं इस फॉर्म को कैरी करूंगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह T20 सीरीज भी अपनी तरफ से जिताऊंगा। लेकिन फखर वो जाहिद महमूद को शामिल किया है शायद आपकी जगह, आपको तो परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने दोबारा टीम में गफार प्लीज काउंटर नहीं आप करें प्लीज, वो क्वेश्चन से रिप्लाई कर दिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे। जी सभा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फखर, ये बताइएगा कि जीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन 200 के पास आके आपका आउट हो जाना क्या फीलिंग आ रही थी, तब तक ग्राउंड से बाहर जाने तक आपके जहन में क्या चल रहा था? देखें उस टाइम तो मतलब मुझे उस टाइम भी फील हो रहा था कि हमें जिता सकते हैं, आखिर ओवर में 30 रन भी रहते थे और मुझे लग रहा था कि हम लोग ये मैच जीत जाएंगे, मतलब मुझे आखिर तक उम्मीद थी, तो बिल्कुल मैं उसके लिए जा रहा था और जब आउट हुआ हूँ तो उस पर बस जैसे मेरे माइंड में पहले ही था कि मैं दिल में मेरा यही आ रहा था कि यार अगर तो मेरे 200 हो तो, क्योंकि 200 रन्स होना मतलब 50 ओवर्स में बड़ी बात होती है, तो मैच भी जीते हैं लेकिन अगर मैच हम लोग नहीं जीत पाते तो फिर अल्लाह करे कि मेरा 200 ही ना हो, तो हो सकता है और इस पे मुझे मेरे ख्याल में रिग्रेट नहीं है, मुझे खुशी है कि अगर हारने में मेरे 200 नहीं हुए तो ये मतलब मुझे इस पे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो फिर कोई भी सिचुएशन होती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लास्ट क्वेश्चन जी नवीद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फखर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा लगता है कि सईद अनवर के बाद एक हमें दोबारा से फिर डबल सेंचुरी की तरफ आपने बड़ी हिम्मत की, 193 पे आप आउट हो गए। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या है और T20 भी होने जा रहा है उसमें भी आपको शामिल किया गया इसके बाद? नहीं, जो मॉडर्न क्रिकेट है इसमें जो नेचुरल गेम होती है हमारी, तो वही स्ट्रेटजी होती है कि कंडीशन के लिहाज से किस तरह खेलना है, तो हम लोग मैं खुद भी देखूंगा कि जो T20s है उस में ऐसी मतलब कंडीशन कैसी है पहले और फिर जो अब मेरी फॉर्म है मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा उसमें इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो। और बाकी देखें T20 एक बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है वनडे से, क्योंकि वनडे में आप टाइम लेते हैं फिर एक्सेलरेट करते हैं फिर टाइम लेते हैं, तो इसमें सिचुएशन डिफरेंट होती रहती है, लेकिन T20 जो है वो एक फ्लो में ही आप खेलते हैं, तो जो मेरा फ्लो बना हुआ है यहाँ से मैं इसको T20 में भी खेल रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने का।